दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शाली का झांसा देकर दुष्कर्म मामले में विकास नागपाल की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने किया जैसी। लखा सिंह हत्याकांड के गवाहों पर अज्ञात बाइक सवारों ने की फायरिंग, सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस बल तैनात। रवि मेघवाल हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, DYFI ने किया भूख हड़ताल का ऐलान। बारिश के बाद टाउन अनाज मंडी हुई जलमग्न, पानी निकासी नहीं होने से भीगे गेहूं के कट्टे। अब खबर विस्तार से। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के महिला थाना में दर्ज मामले में पुलिस ने आरोपित विकास नागपाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपित विकास नागपाल को कोर्ट में पेश किया, जहां नागपाल को जेसी कर दिया गया। वहीं विकास नागपाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित भाजपा के पूर्व यूथ मंडल अध्यक्ष विकास नागपाल को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को पुलिस ने आरोपित विकास नागपाल को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेसी कर दिया गया। वहीं विकास नागपाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। DSP निहाल सिंह ने बताया कि इस संबंध में अनुसंधान जारी है, मामले में पूछताछ चल रही है। DSP ने बताया कि शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और फिर अन्य महिला से शादी करने का मामला है, जिसमें अनुसंधान जारी है। विकास नागपाल को कल 9:10 पे गिरफ्तार किया। इसका महिला थाने में मुकदमा नंबर 99/19 में अपराधी था और बाद अनुसंधान अपराध प्रमाणित होने पर गिरफ्तार कर न्यायालय में जेसी के लिए पेश किया। मुकदमा इसमें एक महिला के साथ, ये लंबे समय से लिविंग विद रिलेशनशिप या उसको झांसे में देख करके कि मैं तुझसे शादी करूँगा और उसके बाद उसने शादी नहीं की, अन्य महिला से इसने शादी कर ली, जिस पर उसने मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें ये 8 से 10 साल तक उसके साथ रहना और शारीरिक शोषण करना प्रमाणित पाया गया। रिमांड के लिए कोई रिकवरी वाला मैटर इसमें था नहीं, अनुसंधान में ऐसे कोई तथ्य आए नहीं और अनुसंधान जारी है। अनुसंधान में ऐसा होगा तो न्यायालय से अनुमति लेकर के वापस, अनुसंधान जारी है और अन्य आरोप अभी तक प्रमाणित हुए नहीं है, अनुसंधान जारी है। बाबा लखा सिंह हत्याकांड मामले के गवाहों पर सोमवार सुबह फायरिंग की गई। दो मोटरसाइकिलों पर हथियारों से लैस होकर आए 3-4 अज्ञात जनों ने बाबा लखा सिंह की चक 8 LLW से ढाणी में फायरिंग की। हालांकि हमले में किसी को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी उस समय घर के बाहर नहीं था। आपको बता दें कि इस प्रकरण में 15 मई को गवाहों के बयान होने हैं। बाबा लखा सिंह हत्याकांड मामले के गवाहों पर सोमवार को अज्ञात लोगों द्वारा फायरिंग की गई। सूचना मिलने पर जंक्शन पुलिस ने मौका मुआयना किया। इस संबंध में जंक्शन थाना में अज्ञात जनों के खिलाफ हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस के अनुसार गुरजीत सिंह पुत्र बाबा लखा सिंह ने रिपोर्ट दी कि उसके पिता बाबा लखा सिंह की 23 नवंबर 2016 को हत्या हो गई थी। यह मामला अदालत में चल रहा है, इसमें वह तथा उसके दादा गुलाब सिंह गवाह है। अदालत की ओर से गवाह को तलब किया गया है, इसी वजह से गवाह को धमकाने और जान से मारने के उद्देश्य से सोमवार अल सुबह दो मोटरसाइकिल पर 3-4 जने सवार होकर आए और फायरिंग शुरू कर दी। संयोगवश उस समय कोई नहीं था, गोलियां कमरे के शीशे पर लगी और इसके बाद अज्ञात हमलावर फरार हो गए। जंक्शन थाना प्रभारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि आरोपितों की धरपकड़ के लिए क्षेत्र में नाकाबंदी करवाई गई है। वहीं परिवार की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया गया कि इस मामले में 15 मई को गवाहों के बयान होने हैं। गौरतलब है कि 23 नवंबर 2016 को सुबह करीब 11 बजे कार में सवार होकर 3 जने बाबा लखा सिंह के आश्रम आए थे। इस बीच बाबा लखा सिंह जैसे ही नहाकर बाहर आए तो हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे बाबा लखा सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस संबंध में 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ जंक्शन थाना में हत्या के आरोप में मामला दर्ज हुआ। इस प्रकरण में जंक्शन पुलिस ने अक्टूबर 2017 में फिरोजपुर जेल से खालिस्तानी आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा के आतंकी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी, अशोक कुमार उर्फ अमन को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर हनुमानगढ़ लाई थी। दोनों हत्या के एक अन्य मामले में फिरोजपुर जेल में बंद थे। इनकी जिला कारागृह में शिनाख्त परेड भी हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर रिमांड मंजूर करवाया। उनसे पूछताछ के आधार पर हत्या के साजिशकर्ता जसवंत सिंह उर्फ काला को लुधियाना जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। जसवंत सिंह बब्बर खालसा ग्रुप का आतंकी है।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਰਾਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਵਾ ਮੈਂ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਰ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ? ਨਿੰਘਾ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੇਖੇ ਆਉਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੇਖਿਆ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਲਾਈ ਹੈ, ਪੋਰਸ ਲਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ। ਚੱਕ 8 LLW ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਢਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਥੀ, ਜਿਸਕੇ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਥਾਣੇ ਪੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਪਰ ਹਮਨੇ 307 ਕਾ ਔਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਆ। ਇਸਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਣ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਠਭੂਮੀ ਹੈ, ਉਸਮੇ 23 November 2016 ਕੋ ਬਾਬਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਥੀ, ਜੋ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਕੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਓ ਨੇ ਕੀ ਥੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਉਨਕੋ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਗਿਆ ਥਾ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਮੈਂ ਜੇਸੀ ਮੈਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਮੈਂ ਗਵਾਹੋਂ ਕੋ ਧਮਕੀ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਧਮਕਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ FIR ਮੈਂ ਅੰਕਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਆਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਹਮਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੀਮੇਂ ਬਣਾ ਕਰ ਔਰ ਅਗਿਆਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨੋਂ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਮੈਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਾ, ਉਸਕੋ ਸਸ਼ਸਤਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਗਸ਼ੇ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੌਰਾਨੇ 10 ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਕਿਲੋ ਪੋਸਤ ਸਹਿਤ 2 ਜਣੋਂ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਆਰੋਪੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੇ ਪੋਸਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਅਲਟੋ ਗਾੜੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀ ਹੈ। ਜੰਕਸ਼ਨ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੌਰਾਨੇ ਗਸ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ ਹੈ। ਜੰਕਸ਼ਨ CI ਅਰਵਿੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ੂ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੌਰਾਨੇ ਗਸ਼ਤ ਗਾਉਂ ਮਕਸਰ ਕੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਅਲਟੋ ਗਾੜੀ ਕੋ ਰੋਕ ਕਰ ਜਾਂਚ ਕੀ ਤੋ 2 ਯੁਵਕੋਂ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੇ 10 ਕਿਲੋ ਪੋਸਤ ਬਰਾਮਦ ਹੁਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਯੁਵਕੋਂ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਆਰੋਪੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਵਿਸ਼ੂ ਵਰਮਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਔਰ ਜਾਬਤੇ ਕੇ ਸਾਥ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਥੀ ਔਰ ਗਸ਼ਤ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਮੱਕਾ ਸਰ ਕੇ ਪਾਸ ਮੇਂ ਇੱਕ ਗਾੜੀ ਕੋ ਰੁਕਵਾ ਕਰ ਚੈੱਕ ਕੀਆ ਤੋ ਉਸਮੇਂ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਤ ਬਰਾਮਦ ਹੁਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸਮੇਂ ਸਵਾਰ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਨਕੋ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ ਪੋਸਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਂ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦਰਜ ਕੀਆ ਜਿਸਕਾ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕੀਆ। सोमवार को अचानक आए अंधड़ और बारिश से धान मंडियों में अव्यवस्थाओं का आलम है। हालात यह है कि टाउन अनाज मंडी जलमग्न हो गई। पानी की निकासी नहीं होने से मंडियों में रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गए। वहीं पानी भरने के से हालात बदतर हो गए। पहले आपको दिखाते हैं बारिश के बाद टाउन मंडी के हालात। ये है टाउन अनाज मंडी, जहाँ बारिश के बाद पानी भर गया। हालात ये की हजारों क्विंटल गेहूँ पर पानी फिर गया। हजारों कट्टे जो खरीद के बाद भरे उठाव के लिए पड़े थे, वे बुरी तरह से भीग गए। दरअसल जमकर हुई बारिश के बाद पानी निकासी नहीं होने से यह स्थिति पैदा हुई थी, जिससे काफी परेशानी हुई। व्यापारियों और किसानों का कहना था कि मंडी में अव्यवस्थाओं का आलम है। मंडी में लिफ्टिंग यानी उठाव को लेकर व्यवस्था सही नहीं है, ऐसे में अव्यवस्था तो होगी ही। किसानों का कहना था कि मंडी में व्यवस्था नहीं है। किसान पिछले 10 से 15 दिनों से मंडी में बैठे हैं, लेकिन समय पर खरीद नहीं होती। ऐसे में जब मौसम बिगड़ता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? न तो समय पर खरीद हो रही है और न ही समय पर उठाव। बारिश से जिम्मेदारों का भारी नुकसान हुआ है। एक जिन्होंने नरमा कपास की फसल बीज दी, गड़ा से जहर फैल जाता है, ये फसल दोबारा बीजनी पड़ेगी। 3,000 रुपये बीघा खर्चा पहले आया, 3,000 बाद में आएगा। और यहाँ तो अब हालत आप देखते हो, मेरे से क्या पूछ रहे हो कि कितना नुकसान है, कैसे उसको संभालेंगे? तो क्या पानी की निकासी व्यवस्था नहीं? पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, पीड़ नीचे है, पीड़ उठाए हुए हो या ऐसी कोई व्यवस्था हो पानी की तो कोई सुधार हो सकता है। बाकी सारे से मेन समस्या दी है, मानता हूँ हनुमानगढ़ में गेहूँ उठाव का सबसे ज़्यादा परेशानी है। जितना गेहूँ रोज का तुलता है उतना उठना चाहिए, उठता क्यों नहीं? ये सरकार की सबसे कमजोरी है। फिर ठीक है, मैं आज ले हूँ, मेरा माल आज भी किया, मुझे कोई धोखा नहीं। जिसका माल 10 दिन से अपड़ा है, भीग रहा है, वो क्या करेगा? मंडी के अंदर जो बारिश आती है, जब 2-2, 3-3 फुट पानी चढ़ जाता है इसके अंदर, और इसके पानी की बिल्कुल भी निकासी की व्यवस्था नहीं है। FCI हर साल जो माल खरीदती है उसको उठाने की कोई व्यवस्था नहीं करती है, जबकि पंजाब हरियाणा में भी मंडियाँ हैं, वहाँ पर
जितना माल डेली भरते हैं उतना उठाव होता है। एक यही मंडी ऐसी है कि जिसके अंदर माल का उठाव नहीं होता है, तो इसकी कोई सुनाई नहीं है, व्यवस्था नहीं है मंडी की। और कितना का नुकसान मानते हो? का नुकसान है जी, ये आप देख रहे हो, ये आप मूवी बना लो, कट्टे सारे पानी के अंदर हैं, तो ये कट्टे हुए बचेगा क्या, देख लो आप। तो इनको सारों को दोबारा अगर पलटवाएंगे तब भी ये कनक गेहूँ है जो सारा ख़राब हो जाएगा, और बाद में गवर्नमेंट कहती है ये हम लेंगे नहीं, तो जमींदार कहता है मैं वापस नहीं लूँगा, तो इसका नुकसान सारा व्यापारी को जाता है। कट्टे अपने तरफ से लगाने पड़ेंगे, ये गट्टे गल जाएंगे सारे, इनकी लेबर लगेगी, उसके बाद में इनमें से 50-100 कट्टा है जो वो गेहूँ ख़राब हो जाएगा नीचे वाला। तो इसका आप आकलन कर लो, पूरी मंडी में इस टाइम में कम से कम 10 लाख कट्टा भरा हुआ पड़ा है। 10 लाख कट्टे में से अगर 10% भी नुकसान हुआ तो 1 लाख कट्टे का नुकसान है। FCI लेबर यूनियन के प्रधान का कहना था कि मंडी में लगभग 1 लाख कट्टा का उठाव रोजाना होता है। उन्होंने कहा कि मंडी में मजदूरों की कोई कमी नहीं, लेकिन FCI गोदाम की व्यवस्था करे तो समय पर उठाव हो सकता है। यदि गोदाम की व्यवस्था हो तो 1 लाख के बजाय प्रतिदिन 1.25 लाख तक उठाव संभव है। मंडी में 1 लाख कट्टा रोज उठ रहा है और आके FCI जगह नहीं ले रही। अगर जगह नहीं ली FCI ने, यहाँ मजदूरों की कोई कमी नहीं है। अगर FCI आके जगह लेती है तो रोज का 1 लाख की जगह 1.25 लाख भी कट्टा उठ सकता है। अगर FCI जगह नहीं लेती तो यहाँ किसान को बहुत परेशानी आ रहेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने 15 तारीख तक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। अंदर 14 लाख की जगह FCI ग्राउंड में, उसमें करीब 10.5 लाख गट्टा लग चुका है। 1 लाख गट्टा वहाँ लगा है बदलकारी रोड में, वहाँ 3 गोदाम बिल्कुल खाली पड़े हैं। उन गोदामों में 5 लाख गट्टा लग सकता है। अगर FCI जगह लेती है तो 7-8 दिन में ये मंडी को खाली कर सकते हैं, नहीं तो किसानों का माल बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ये प्रशासन को सोचना चाहिए। वहीं बारिश के बाद कृषि उपज मंडी समिति के सचिव ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कुछ एरिया में नालों को लेकर समस्या है, नाले ओवरफ्लो होने के बाद एक बार की मंडी में पानी भर जाता है, ऐसे में जल भराव की स्थिति हो जाती है। उन्होंने कहा कि जो गेहूं भीगा है उसे अब सुखाना पड़ेगा। टाउन में जो टिब्बी रोड की तरफ मंडी है उस साइड में एक रोड पर पानी ज्यादा है, तो उसमें क्या है बराबर जो नगर पालिका का खड़ा चल रहा है वो पानी जब उसमें कम होगा तो उसके बाद मंडी का पानी उसमें जाना शुरू हो जाएगा, तो लगभग 1.5 घंटे बाद है जो खाली हो जाएगा। इसके अलावा जो जो लास्ट ब्लॉक है मंडी का उसमें भी 1-1 फुट के आसपास पानी खड़ा है एक रोड के ऊपर, तो वो भी नाले की समस्या है। बराबर में नाला है तो बाजार का पानी है वो नाले में ओवरफ्लो होने के बाद उस रोड पर आ जाता है, तो वो भी 1-1.5 घंटे बाद जब नाला कम हो जाएगा तो उसके बाद जो पानी है वो सारा उधर जाना शुरू हो जाएगा। 3-4 घंटे में सारी मंडी में पानी निकल जाएगा। ये हर साल की समस्या है और हरदम किसानों के माल खराब होते हैं, तो कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकलता इसका? इसमें क्या है कि यदि सड़क ऊंची करते हैं तो लोग दुकानदारों के पेड़ नीचे रह जाएंगे, और यदि नहीं करते हैं तो पानी भर जाता है। तो इसका यही है सोल्यूशन कि जो नाला है नगर पालिका वो ओवरफ्लो नहीं हो, और पानी जो आगे जा रहा है तो उसको आगे पानी निकलने के लिए स्पेस मिलना चाहिए, ताकि जितना जल्दी नाला चलेगा उतना जल्दी मंडी से पानी निकल जाएगा। कितना का नुकसान आपने देखा है? अभी जो सड़कों पर माल पड़ा है वो नीचे से भीगा है, बाकी जो प्लेटफार्म पर माल पड़ा है वो लगभग त्रिपाल से ढके हुए हैं, और जो सड़कों वाला है उसको क्या सुखाना पड़ेगा दोबारा से। रवि मेघवाल हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भारतीय जनवादी नौजवान सभा की टीम ASP से मिली और ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि 5 महीने बीत जाने पर भी पुलिस इस मामले में कोई सुराग नहीं लगा पाई है। पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल खड़ा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर 21 मई को भगत सिंह चौक पर 24 घंटे की भूख हड़ताल का ऐलान किया गया। भारत की जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया गया है कि पिछले 5 महीने पहले रवि मेघवाल की घर में घुसकर के हत्या कर दी जाती है, और पुलिस 5 महीने के बाद में भी आज खाली हाथ बैठी है, और लगातार रवि के परिवारजनों का कहने के बाद में ढिल्लो कॉलोनी में गश्त नहीं बढ़ाई जा रही है, और वहाँ अपराधी किस्म के जो लोग हैं लगातार आते जाते रहते हैं, लेकिन पुलिस क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठी है
इस बात को लेकर के हम एसपी साहब से मिले हैं और ये कहा है कि अगर आपने हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आने वाली 21 तारीख को भगत सिंह चौक पे अनिश्चितकालीन 24 घंटे की भूख हड़ताल हम लोग भारत की जनवादी नौजवान सभा के बैनर पे हम लोग करेंगे ताकि तमाम पुलिस को और इस तमाम इस जिले के नागरिकों को सद्बुद्धि आए और इस आंदोलन में शरीक होकर के रवि के हत्यारों को गिरफ्तार करने का काम करें। समाचार अभी और भी अनेक तरह दिन भर के खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, Punjabi. महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान पाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। टांगगढ़ मंडी में विनोद ट्रेडिंग कंपनी के नाम से संचालित फर्म के मुनीम पर धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज करवाया गया है। फर्म के संचालक द्वारा लगभग 27 लाख की ठगी का आरोप लगाया गया है। बताया गया कि मुनीम बिलिंग में धोखाधड़ी करता रहा, हिसाब में हेरफेर कर उसने लाखों का जुर्म लगाया है। 14 साल से अधिक काम कर रहे पुराने मुनीम द्वारा अपने सेठ के साथ ठगी का मामला सामने आया है। मामला टाउन स्थित गुड़ मंडी का है। टाउन गुड़ मंडी में विनोद ट्रेडिंग कंपनी के नाम से संचालित फर्म के सज्जन कुमार ने इस संबंध में बाजार से उगाहे कर 27 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी करने के आरोप में मुनीम के खिलाफ टाउन थाना में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार टाउन निवासी सज्जन कुमार ने रिपोर्ट दी कि उसकी टाउन गुड़ मंडी में विनोद ट्रेडिंग कंपनी के नाम से फर्म है। वह माचिस, साबुन और पटाखों का थोक कारोबारी है। नरेश कुमार शर्मा जो करीब 14 साल से मुनीमी का कार्यकर्ता है, इस बीच उसने बिलिंग में धोखाधड़ी करते हुए लाखों रुपयों का चूना लगाया। फिलहाल पुलिस मुनीम नरेश कुमार की तलाश कर रही है। श्री सजन कुमार बंसल है, निवासी हनुमानगढ़ टाउन, जिसकी गुड़मंडी में ये माचिस, साबुन और पटाखों का कारोबार है, जिसके नरेश कुमार मुनीम रहता था। तो बंसल ने आरोप लगाया कि मुनीम ने रसीदें वगैरह उसके पास थी, उनका दुरुपयोग करके और अलग अलग मंडियों से, रावसर, पीलीबंगा, अलग अलग मंडियों से करीब 27 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए और मेरे पास जमा नहीं कराए। तो बंसल के द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। विनोद ट्रेडिंग कंपनी के सज्जन कुमार ने बताया कि हर साल अप्रैल में सभी दुकानदारों के साथ हिसाब किया जाता है। उसने गत दिनों मुनीम नरेश कुमार को हिसाब करने के लिए मंडियों में साथ चलने को कहा, लेकिन वह अगले दिन से दुकान पर नहीं आया और तभी से फरार है। आरोप है कि मुनीम ने दुकान से रसीद बुक चोरी कर सभी दुकानदारों से लगभग 27 लाख रुपए देकर खुद रख लिए और उसका हिसाब नहीं दिया। वहीं बताया गया कि गोदाम से भी स्टॉक गायब है। मुनीम नरेश कुमार शर्मा तकरीबन 14 साल से रह रहा था और बहुत ही विश्वास के साथ रह रहा था। जो आदमी 14 साल रह जाता है उस पर विश्वास भी करना पड़ता है। वो सारा मेरा लेन देन भी करता था। 6 मार्केट मेरी माचिस की, साबुन की, पटाखों की ये मार्केट भी करता था। तो अभी 31/3/2018 को हम लोग क्लोजिंग करते हैं तो उसको हमने कहा भी अब की बार हम तुम्हारे साथ मार्केट में जाके लोगों से बैलेंस टैली करेंगे और अपनी उधारी बहुत ज़्यादा हो गई तो लोगों से वसूल करेंगे। तो इस दौरान हमने उसको, वो मंगलवार से हमने स्टार्टिंग करना था भी, मंगलवार को हम दिनांक 16 तारीख को हम लोग 16/4 को भी हम लोग मार्केट में तुम्हारे साथ जाएंगे। तो वह सुबह आया नहीं, 16 तारीख को सुबह आया नहीं तो हमने उनके घर पर पता किया तो उन्होंने यही कहा कि भी आपकी दुकान पर ही गए हुए हैं। दुकान पर वो आया नहीं तो हमने दूसरे मुनीम को रावसर भेजा। तो वह रावसर जाते ही हमें पता चला भी वो जिन विभिन्न पार्टियों से हम लोगों ने जो बैलेंस मांग रहे हैं उन लोगों को हमारी दुकान की रसीदें चोरी करके उन लोगों को रसीद काट काट के दे गया और उनसे पैसे ले गया। इसी दौरान हमने वो पीलीबंगा लखवाली, पीलीबंगा डबली, संगरिया और जंक्शन करता था, सब जगह पता किया। तो वह उसी तरह रसीदें चोरी कर करके हमारी दुकान से ही उन लोगों को देता चला गया और
हमारे तकरीबन उस आदमी गोदाम में भी काफ़ी स्टॉक कम मिला, जिसमें माचिस जो है वो तकरीबन 4,15,000 रुपए की, पटाखे गोडाउन में तकरीबन 4,90,000 रुपए पटाखा में कम मिला। जंक्शन के वार्ड 38 गांधीनगर क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ आबकारी कार्यालय पहुंचे वार्डवासी। वार्डवासियों का आरोप है कि देशी शराब ठेके की आड़ में अंग्रेजी शराब का वेचन किया जाता है। इतना ही नहीं, किसी भी समय संचालकों द्वारा शराब उपलब्ध करवाने से क्षेत्र का माहौल बिगड़ गया है और कम उम्र के बच्चे भी नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। इस संबंध में आबकारी अधिकारी को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। 38 नंबर वार्ड में आबकारी विभाग द्वारा ठेका मंजूर किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ देशी शराब का ठेका मंजूर किया गया, जबकि उसकी आड़ में स्थानीय पार्षद और उसके गुर्गे का मतलब उसने दुकान पे किसी और लोगों को बिठा रखा है और बोलता है भी ठेका मेरा नहीं है, जबकि ठेका उसके प्रीमिसेस में उसके मालिकाना की जो जगह है उसमें चल रहा है। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा भी जो अवैध शराब वार्ड नंबर 38 में, वार्ड नंबर 10 में और पूरे गांधीनगर क्षेत्र में बिक्री है, इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से स्थानीय पार्षदों का हाथ है और जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। और आप जाके सर्वे करो और पता करो भी पिछले 1-1.5 साल के भीतर 10 से 15 जो 25 से 30 साल की उम्र के बच्चे शराब पीने की वजह से मर गए, तो जिनके घर में इस तरीके की घटनाएं घटित हुई है उनके ऊपर किस तरीके की गाज गिरती है, उनके इंग्लिश शराब बेच रहे हैं और बियर बेच रहे हैं। इस बाबत हमने जिला आबकारी अधिकारी रत्नू जी से मिले हैं, उन्होंने मैडम है जो इंस्पेक्टर उन्हें अधिकृत किया है भी इस बारे में पूरी जानकारी लेकर और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अगर ऐसी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी तो फिर उच्चाधिकारियों से मिलेंगे और वो भी नहीं करेंगे तो फिर आंदोलन करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर परिषद की ओर से कचरा परिवहन के लिए ई रिक्शा खरीदे गए हैं। नगर परिषद की ओर से करीबन 2.25 लाख की लागत से 10 ई रिक्शा खरीदे गए। कमिश्नर शैलेंद्र कोदारा ने बताया कि शहर की छोटी गलियों जहां ट्रैक्टर आदि कचरा उठाने के लिए नहीं पहुंच पाते उनके लिए ई रिक्शा खरीदे गए हैं। इससे डीजल की भी बचत होगी। 5 ई रिक्शा जंक्शन में 5 टाउन क्षेत्र में लगाए गए हैं। नगर परिषद मानगढ़ द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सब छोटी संकरी गलियों में सफाई के लिए कचरा उठाव के लिए 10 ई रिक्शा खरीदे गए हैं, जो शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्र है जहाँ पे ये बड़े टेम्पो नहीं या ट्रैक्टर नहीं जा सकते वहाँ उनको 5 टाउन और 5 जंक्शन में लगवा रहे हैं। और साथ में इससे क्या है, डीजल की खर्चा भी इसमें नहीं होगा, मितव्यता बढ़ रहेगी। 2.25 लाख आएगा एक गीले कचरे के लिए, एक सूखे कचरे के लिए। हाँ, शुरू कर दीजिए 5 टाउन और 5 जंक्शन। जंक्शन की आरसीपी कॉलोनी में एक सुने मकान में चोरों ने निशाना बनाया। बताया गया कि प्रकाश अपने गांव बिहार गया हुआ है, ऐसे में चोरों ने रविवार रात मकान को निशाना बनाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका देखा, घर का सारा सामान बिखरा था और ताले टूटे हुए मिले। जरिए टेलीफोन कि शिव मंदिर है ना सिंचाई कॉलोनी का, इसके पास में प्रकाश सुनोप जोगेंद्र सिंह का मकान है रेलवे का ही, उसमें ताला टूटा हुआ है, सामान बिखरा हुआ है। वो इसका मालिक प्रकाश अपने गांव बाहर बिहार में गया हुआ है सुना सुनो संबंधित, आने पर वो चेक करके बताएगा कि किस चीज़ की चोरी हुई है और रिपोर्ट देगा। बेबी हैप्पी कॉलेज के बीकॉम फाइनल के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा है। एक बार फिर बीकानेर विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया। महाविद्यालय में बेहतरीन अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। जंक्शन के बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने बीकॉम फाइनल वर्ष में बीकानेर विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर विशाल पारेख ने बताया कि परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा है। मंगलवार को वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया गया। महाविद्यालय की तमन्ना गोयल ने 82.50%, रूपाली गोयल ने 82%, विशाल अरोड़ा ने 78.22%, सुनील कुमार ने 77.22%, गोपाल कुमार ने 77% अंक प्राप्त कर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर
हनुमानगढ़ का नाम विश्वविद्यालय स्तर पर रोशन किया है। प्रबंध समिति की ओर से विद्यार्थियों का माल्यार्पण करते हुए स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। पीजी कॉलेज के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि इस वर्ष विश्वविद्यालय ने बीकॉम पार्ट थर्ड का जो परीक्षा परिणाम जारी किया है, उसके अंदर विद्यार्थियों ने हर वर्ष की भांति सफलता का परचम लहराया है। इस बार बीकॉम पार्ट थर्ड के अंदर महाविद्यालय के तमन्ना गोयल, सुनील कुमार और रूपाली ने महाविद्यालय स्तर पर तो महाविद्यालय का नाम रोशन किया ही है, साथ में विश्वविद्यालय के अंदर भी उन्होंने वृत्ता में अपना स्थान बनाया है। मैं इन सभी विद्यार्थियों को महाविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं, उनके परिजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनको जो भविष्य की कामना करता हूं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुई, रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।